हाँ बताइए। हाँ बताइए, जयपुर से कोई बात कर रहे हैं? बताइए। कौन नमस्ते जी। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जी मैं नमस्ते। एक्स सरदार मेजर सोनल यादव, सैनिक लीग अध्यक्ष बांसू, शाहपुरा जयपुर ग्रामीण से बोल रहा हूं। आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको और आपकी सरकार को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत सालों से एक मुद्दा वन रैंक वन पेंशन को सुलझाया। सुलझाया ही नहीं, आपने उसको तुरंत से लागू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि 2 साल पहले हमारे वीर सैनिकों ने एक बहुत गौरवपूर्ण काम किया था। हमारे सेक्टर में, उरी सेक्टर और पठानकोट में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो कार्य किया, उसका हम लोगों ने 29 सितंबर 2016 को ही घर में घुसकर उनके साथ जो सलूक किया और जो बदला लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय, हम चाहते हैं कि हम सब उन वीर बहादुर सैनिकों के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिए थे, क्या कर सकते हैं? सुवालाल जी, आप तो स्वयं फौजी हैं और इसलिए आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं। और आपने सही मुद्दा उठाया। 29 सितंबर देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना के साहस और सामर्थ्य का उत्तम प्रतीक है। सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना के युद्ध कौशल को तो दिखाता ही है, साथ ही हमें गौरव करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी देता है। रातों रात किसी को खबर तक न लगे और सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस देश की सीमा में आ जाते हैं। यह भारत के इतिहास का एक गौरवमय क्षण है। साथियों, देश का हर व्यक्ति अपनी सेना पर गर्व महसूस करता है। कठिन से कठिन और दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों में भी अगर हमारे लिए कोई दिन रात एक करके तपता अपना अपनी जवानी भी खपा देता है, अपनी जान भी हाथ पे लगा कर लेकर के खड़ा है, तो वो है हमारी सेना का जवान। 2 साल पहले जो हमारे वीरों ने किया, उसके लिए वे हर हर प्रकार के सम्मान के हकदार है और पूरी सेना सम्मान की हकदार है। पूर्व सैनिक भी सम्मान के हकदार है। 125 करोड़ देशवासी इस साहस को, इस शौर्य को याद कर सके, इसके लिए पार्टी के स्तर पर देश के अलग अलग हिस्सों में भव्य कार्यक्रम होने चाहिए, वीरतापूर्ण कार्यक्रम होने चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता सैनिकों के सम्मान, शहीदों के परिजनों का सम्मान, शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण का कार्यक्रम ये हम आयोजित करें। हर स्कूल के अंदर इस विषय पर सुबह आधा घंटा बातचीत बताई जाए, सर्जिकल स्ट्राइक पर स्कूल के बच्चों को सिखाया जाए क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारी सेना ने कैसे पराक्रम किया। सेना हमारे लिए जितना करती है उसका ऋण तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन सैनिकों का सम्मान करके हम अपने देश के प्रति अपना नागरिक कर्तव्य जरूर निभा सकते हैं।